सो बैक टू डिजिटल प्रोडक्ट्स प्ले लिस्ट और लास्ट वीडियो पे हमने ये बात की कि कैसे आप ई e बुक्स बेच सकते हैं इंग्लिश में उर्दू में बना के कैनवा में फ्री ई बुक बना सकते हैं कैनवा में बुक का कवर बना सकते हैं और कैसे आप पे हिप पर जाके बेच सकते हैं लेकिन लोगों ने ये शिकायत की कि, कि जी पे हिप मांगता है पेपर पैर तो ठीक बात है पे हिप मांगता है पे अब हर चीज़ का हल तो मैं नहीं बता सकता कुछ ख़ुद भी सोचो पर बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो टाइटल आपको इस वीडियो तक लेके आया है वो ये कि जनाब कैसे अमेजॉन कैंडल पे आप ई बुक बना के बेच सकते हैं और पैसे पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं हम ये सीखेंगे स्क्रीन शेयर करके कि कैसे किंडल पे अकाउंट बनता है हम ये सीखेंगे कैसे जनाब टैक्स की इंफॉर्मेशन डाली जाती है बिकॉज अगर पाकिस्तान से आपने काम करना है तो फिर एक ही तरीका है और वो है पेयोनीर पे पैसे लेके आना और फिर पेयोनीर के अटैचमेंट फिर किंडल अपलोड करना फिर उसकी प्राइस रखना कमीशन फिर उसका कवर और, 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 और आइए स्टार्ट करते हैं तो जनाब आपने क्या करना है कि सर्च करना है के ये अपने यू एड्रेस बार में डालें ब्राउज़र के तो आपको ये पेज नज़र आ जाएगा इसको कहते हैं किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करें फिर जना आप क्रिएट अकाउंट कराएं उसके अंदर आप अपना नाम ईमेल एड्रेस पासवर्ड और री एंटर योर पासवर्ड ये जब आप इंफॉर्मेशन देंगे तो आपने बटन पे क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है उसके बाद वो कहेगा कि बताओ कि तुम इंसान हो कि नहीं हो यानी कि आर यू अ रियल पर्सन मैं इसको अभी बताने की कोशिश करूंगा कि यकीन जान मैं रियल पर्सन हूं तो ये रियल पर्सन करने के बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक ई मेल पे कोड भेजा है उस ई मेल पे कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पर पे पेश कर रहा हूँ और फिर मैंने बटन पर क्लिक किया तो वो कहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन ये ऐसी हैं जैसे आप बेगम की हर बात पे एग्री करते हैं फिर उसके बाद वो कहता है तुम्हारा अकाउंट इनकम्प्लीट है अब अपग्रेड करो मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन डाल रहा हूँ यहाँ पे पहले पाकिस्तान एज अ कंट्री सेलेक्ट करूँगा और फिर जनाब मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगा इसका मतलब कि ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर चल रही है फिर अगेन मुझे वो नंबर आया जिसको मैंने पॉपुलेट किया कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं माय अकाउंट में आ गया माय अकाउंट पे मैं अब अपना मुल्क सेलेक्ट करूँगा पाकिस्तान फिर मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूँगा नाम पता शहर सूबा पोस्टल कोड और फ़ोन नंबर यह इंफॉर्मेशन डालने के बाद मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा जनाब मुझे पे से पेमेंट चाहिए तो पेनीट का अकाउंट नहीं बनाया तो जाके बना लो और पेनीर का अकाउंट जो है वो बड़ा सिंपल है पेयोनर डॉट कॉम पर जाके आप लॉग इन पासवर्ड करें आपका अकाउंट बन जाएगा उसके इंफॉर्मेशन आपने रिकोलेक्ट करनी है साइन इन करने के बाद सो पेनीर पे आपने फिर रिसीव के बटन के ऊपर टैप करना है और फिर दिखाएगा ग्लोबल पेमेंट सर्विस क्लिक करें उस पर पे, ग्लोबल पेमेंट सर्विस के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि आपके बैंक से रिलेटेड है वो आपने इंफॉर्मेशन जनाब यहाँ से पूरी पॉपुलेट कर देनी है तो आप जब अमेजोन कैंडल पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेर इज योर बैंक यूनाइटेड स्टेट्स ये यूनाइटेड स्ट्स सेलेक्ट रहने दें क्योंकि यहाँ पे मैं पेयनर की इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहा हूँ तो आपको तो पेनीर पर पे पैसे चाहिए ना तो कंट्री ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स और पेयोनर आपस में दोनों भाई भाई हैं फिक्र ना करो बस ये बाकी की इन्फॉर्मेशन देखें तो बाकी की इन्फॉर्मेशन में अकाउंट नंबर और फिर वो आ, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने फ़िल कर दी उसके बाद वो कहता है ओके आपने अटैच कर दिया पेयोनर विद यूर खंडल अकाउंट ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं टैक्स की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मुझे इन्फॉमेसन प्रोवाइड करनी है तो टैक्स क्लासिफिकेशन वो पूछता है कि तुम तो अमरीका में हो कह नहीं हो मैं कहता हूँ नो उसके बाद वो कहता है कि तुम तो इंटरमीडिएटरी एजेंट हो में नो उसके बाद मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ जी और यहाँ पर आपको नॉन यू एस के हिसाब से पाकिस्तान सेलेक्ट करके अपना एन टी एम डालना पड़ता तो मैंने अपना एन टी एम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी और अपना पूरा नाम बता दिया ये सर्टिफिकेट आता है इसको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मैं कंप्लीट कर रहा हूं और ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो तो ये जनाब आपका अकाउंट हो गया क्रिएट और ये सारी चीजें जो आपको ऑरेंज में नजर आ रही हैं ये ओके की रिपोर्टें अब यहां पे आप किंडल ई बुक क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग अंडर द साइड टैब ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टाइटल देन यू क्लिक ऑन किंडल ई बुक तो यहां क्लिक करते हैं किंडल ई बुक पर तो ये आपसे मांगता है लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है या कोई और है फिर बुक का टाइटल फिर सब टाइटल ये इन्फॉर्मेशन मैं फ़िलहाल फर्जी डाल रहा हूँ सिर्फ़ आपको सिखाने के लिए ये बेसिक वॉक थ्रू प्रोसेस है जिस पर मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी उसके बाद जनाब मैं नीचे जा रहा हूँ और अपना ऑथर की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो भी फर्जी है मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्रीब्यूटर में फिर मैं एडिटर या ऑथर डाल सकता हूँ अगर किसी एक या दो बंदों ने इस किताब को लिखा है फिर डिस्क्रिप्शन वो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाना चाहता हूँ जब कोई मेरी किताब को सर्च करे तो वो मैंने कुछ फर्जी से लिख दी उसको इन पॉपुलेट करने के बाद मैं पब्लिशिंग राइट्स को दे बता रहा हूँ कि जी ये मेरे पास ही हैं उसके बाद जनाब की वर्ड्स के लोग सर्च करें तो ये की वर्ड्स को सर्च करेंगे तो आपकी किताब नज़र आएगी ये आप सात एक तो पॉपुलेट कर सकते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है एंटर अप टू सेवन सर्च ये पॉपुलेट मैंने कर दी तो उसके बाद वो कैटेगरीज़ आपको चूज़ करने की एबिलिटी देता है कि ये फ़िक्शन है ये नॉन फिक्शन है ये साइंसदान की है ये आर्ट की है ये कुछ भी है तो मैंने कैटेगरी अपनी बुक के मुताबिक सेलेक्ट कर दी जनाब एडवेंचर एंड एक्सप्लोरर्स वो करने के बाद मैंने सबमिट किया उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एज वगैरह की है एंड दैट्स अबाउट इट लिटरली बाकी ये प्री ऑर्डर जो था वो मैंने इसको एज एट इज़ रहने दिया फिर मैन्यू स्क्रिप्ट है जी यहाँ पर आप अपनी बुक भी अपलोड कर सकते हैं मैंने चूँकि वर्ड में बनाई हुई है तो मैं वर्ड अपलोड कर रहा हूँ अगर आपने पी डी एफ में बनाई है तो आप पी डी एफ अपलोड कर लें नीचे आपको अपलोड करने की एबिलिटी दे रहा है तो अपलोड पर जब क्लिक करते हो तो वो अपलोड कर देता है मैंने सेलेक्ट कर ली थी वर्ड फाइल उसके बाद वो कवर क्रिएट करने की आपको एबिलिटी देता है कवर मजे के बाद इनसाइड किंडल ही आप क्रिएट कर सकते हैं तो वो आपको वॉक थ्रू देता है कि ये इमेजेस फ्री पड़े हुए हैं आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर लें उनमें से मैंने कोई एक प्री टेम्पलेट सेलेक्ट की उसके ऊपर नाम पता लिखा और ये मेरी किताब बन गई वैसे ये कैनवा से जाके आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है फिर जब मैंने इमेज बना दिया तो फिर मैंने इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया प्रीव्यू करने के बाद ये मेरी बुक और उसका जो कवर है वो मुझे दिखा रहा है सेव पे मैंने क्लिक किया सबमिट कर दी अपनी किताब और किताब सबमिट करने के बाद ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई इसके बाद मैं यहाँ पे ऑल द वे प्रीव्यू भी देख सकता हूँ बाय द वे मैं अगर लॉन्च एंड प्रीव्यू पर क्लिक करूँ तो मैं इसका प्रिव्यू भी देख सकता हूँ किताब कैसी है वो कुछ प्रोसेस अपने ही सेलेक्ट कर रहा है प्रिपेयर कर रहा है मेरी फाइल को फिर उसको वर्ड को कन्वर्ट कर रहा है किंडल में अगर आपकी पी होगी तो उसको किंडल में कन्वर्ट कर लेगा ये किताब बन गई जाएगी मेरी जो मैंने इसको स्किप कर दिया प्रोसेस अब वापस आए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें किताब को दें छाप और छापने के बाद आप पैसे छापें सर आपको कौन मना कर रहा है तो यहाँ पे एक ये प्रोसेस है जिसमें इन माई बुक इन के डी बी सेलेक्ट इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद वो आपको परसेंटेज और कमीशन के बारे में बता रहा है कि किताब का कितना कमीशन किसके पास क्या जाएगा वो आप मैनुअली बता सकते हैं मैं यहाँ पे फर्जी दस डॉलर बता रहा हूँ लिस्ट प्राइस और अलॉन्ग साइड द एस जी आ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कह रहा पब्लिश कर देता हूँ बस बात ख़त्म ओवर एंड आउट भाई जान ऐसे किंडल बुक पब्लिश होती है ऐसे पाकिस्तान से लस, इतने ज़्यादा मैं कॉन्टेंट राइटर्स बुक पब्लिशर्स को जानता हूँ जो किंडल पे किताबें बेच रहे हैं वैसे तो मैं पे हिप पर भी बेचने वालों की बड़ी लिस्ट को जानता हूँ लेकिन उनके पास पेपैल है अब आपके पास पे पैल नहीं है ऑल यू नीड टू हैव इज़ अ पेयनर अकाउंट पेयोनियर अकाउंट की वो इन्फॉर्मेशन अप वगैरह कर करो अगर नहीं किया उसकी इन्फॉर्मेशन अटैच करो अपने किन्डल के इन्फॉर्मेशन के साथ और किताबों पर किताबें छापो पर याद रखना आपकी किताब खरीदेगा कौन किताब बनाना जरूरी क्यों है बिकॉज पैसिव इनकम है ना डिजिटल प्रोडक्ट है आपने एक दफा फुर से रख लिया उसके बाद आप सोएं जागें ट्रैवल करें कुछ करें यू डू नॉट हैव टू सिट ऑन योर डेस्क है तो डिजिटल प्रोडक्ट आपकी बिक्री है तो ऑटोमेटेड बनी है आपके पास पैसे आते रहेंगे आई नो अ गाय लिविंग इन कराची हु इज मेकिंग टेन थाउजेंड डॉलर प्लस फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज पार्टनर जिसके लिए वो किताबें लेके कैंडल पे छाप रहा है तो को ऑथर भी बड़ा जरूरी है आप हर वक्त तो खुद नहीं लिख सकते उनकी जो नीच है वो है साइंस एंड एक्सप्लोरेशन मार्स है बाकी प्लैनेट्स हैं तो अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चूँकि मैं फ़्री के बारे में बहुत जानता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जानता हूँ मैं ब्लॉगिंग के बारे में जानता हूँ मैं खुद डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में जानता हूँ यूट्यूब तो इन सब की एक एक किताब बनाता हूँ अंग्रेज़ी में और इसको मैं किंडल पर रख देता हूँ बाय द वे ई बुक उर्दू में भी बन सकती है लेकिन उसकी वो डिमांड नहीं रहेगी अमेजोन पर उसको बेचने का ज़्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट रखें और सेफ पे से बेच दें तो एक साइट है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है गेट सेफ पे ये बड़ी अच्छी साइट है यार ये आपको तमाम मेजर क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करने की बिलिटी देती है पर इस केस में कि जब आप उर्दू में बेच रहे हो क्योंकि फिर आपको परचेज भी खुद हैंडल करना है क्लाइंट की कस्टमर सर्विसेज उनकी बातें उनकी डांट वही खुद ही देखनी है इन केस ऑफ किंडल सर जी अमेजोन जाने तो तुम ही जानो तो क्लाइंट जाने आप यशी करें क्लाइंट जाएगा अमेजोन के पास उसने बेचा अब अगर इसका पेपर वर्जन भी होता ना ये तो किंडल की बात कर रहा हूँ लोग किताबों का पेपर वर्जन भी बेचते हैं अमेजोन पे उस पर मैं अगली वीडियो में किसी बात करूँगा पर अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डिजिटल प्रोडक्ट उसमें ई बुक और ई बुक को सेल करें किंडल पे याद रखिएगा जरूरी नहीं कि मैंने अगर वर्ड में बनाई है तो आप भी वर्ड में बनाएं आप कैनवा में जाके बड़ी अच्छी सी किताब बना सकते हैं मैंने आपको तरीका बताया हुआ ऊपर आई कार्ड पे पड़ी हुई है वो यूट्यूब की वीडियो जिसको देख के आप सीख सकते हैं कि कैसे आप ई बुक बना सकते हैं अंग्रेजी या उर्दू वो तो खैर रेस्पेक्टिव है पर जो किताब कैनवा बना के देगी वो शायद आपको खुद फॉर्मेटिंग वगैरह ना करने आती हो तो जय डिजिटल प्रोडक्ट बनाएँ किताबें बेचें फिलोसोफर बन जाएँ पैसे कमाएँ और मुझे दवाओं में याद रखना